हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज रेल में। मेरा नाम डॉक्टर कुमार राहुल है और मैं एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट हूँ इन अमेज़न, और मैंने अपनी पीएचडी आईआईटी जोधपुर से ख़त्म की है। और इस चैनल को खोलने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मैं चाहता था कि अपनी तरफ से यंगस्टर्स और जो भी मेरे एरिया में या मेरे रिसर्च एरिया में जॉब करना चाहते हैं उनकी कैसे मदद कर सकूं। सो मुझे लगा कि एज ए चैनल ये मैं ज़्यादा लोगों तक अप्रोचेबल होऊंगा और यहाँ से मैं लोगों तक पहुँच के उनकी मदद कर पाऊँगा। सो इस चैनल का दायरा सिर्फ पढ़ने और समझने में ही सीमित नहीं है। मैं इस चैनल के ज़रिए आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप कभी कोई कोलैबोरेशन करना चाह, आपको कोई रिसर्च रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो वो सब भी आप इस चैनल के ज़रिए और फ्यूचर में आने वाले मेरे वेबसाइट और अदर इंफॉर्मेशन अदर कम्युनिकेशन चैनल्स के ज़रिए आप वो सभी चीज़ें, अपने सारे डाउट्स और अपने सारे रिसर्च कोलैबोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है। मैं बहुत सोच रहा था कि वीडियो कैसा रखूँ, क्या कंटेंट होना चाहिए। फाइनली मुझे ये समझ में आया कि लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या चल रहा है आज के डेट पे मार्केट में, और फिर हम धीरे धीरे एक एक चीज़ों के डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस। सो हम बात करते हैं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। सो अगर हम बेसिक्स देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को, तो आप ये देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग और कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें या हम इनको इसको एक इसको समझाना चाहें एक छोटे से बहुत ही ब्रीफ में, तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सल्यूशन जो कि ह्यूमन कैपेसिटी को मिमिक कर सके, मतलब ह्यूमन कैपेसिटी या जो भी ह्यूमन कर सकता है, जो भी रिपीटेबल टास्क है उसको उसको दोहरा सके या उसको ऑटोमेट कर सके। इंडस्ट्री में ऑटोमेट का टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा दायरा है जिसमें आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टास्क जहाँ पे आप किसी भी रिपीटेबल चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं और किसी भी चीज़ को मतलब ह्यूमन वे में कर रहे हैं, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टास्क को हम परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे हमें कोई रूल बेस्ड इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। क्या करते हैं हम कुछ प्रीवियस डेटा देखते हैं, हम देखते हैं कि पास्ट में क्या क्या परफॉर्मेंस रही या आउटपुट्स रहे या क्या इनपुट थे या क्या वेरिएबल्स रहे, और उसके ज़रिए हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा या किस तरह का रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में। उसके बाद आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हम बात करते हैं जब हमारे पास डेटा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है और हम कुछ इन डेप्थ और बहुत ही हाई प्रिसीजन रिजल्ट लेना चाहते हैं मशीन लर्निंग से। तो ये भी एक सबसेट है मशीन लर्निंग का। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बहुत ही गहराई से एक एक चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को ब्रीफ में आपको समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख रहे हैं ये मैंने वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट किया है। समय के अभाव के कारण मैंने कुछ इमेजेस सोर्सेज से लिए हैं, कुछ इमेजेस खुद क्रिएट किए हैं। और सो आप यहाँ पर देख सकते हैं डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बीच एक कड़ी है जो सबको जोड़ती है, जो है डेटा साइंस। मेरा कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि इन तीनों चीज़ों को परफॉर्म करने में, स्पेशली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के टास्क को परफॉर्म करने में, आपको डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और डेटा साइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस डेटा के ज़रिए आप अपने मॉडल्स को ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। सो ये सारी चीज़ों का नॉलेज के लिए, इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए दो वे हैं, दो पाथ हैं। पहला पार्ट है मैथमेटिक्स। आपकी मैथमेटिक्स बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए,
और जो जो चीजें अच्छी होनी चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मैथमेटिक्स में कौन कौन से पोर्शन आपके काफी स्ट्रांग होने चाहिए, कौन से पोर्शन आपको पता होने चाहिए और प्रोग्रामिंग आपको कितना आना चाहिए, ये दोनों चीजें हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब बात करें डेटा साइंस की। सो एज मैं खुद एक डेटा साइंटिस्ट हूं और मेरा ज्यादा काम डेटा के ऊपर रहता है, तो मैं बता सकता हूं कि डेटा साइंस में कई सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, बट हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कुछ छोटे छोटे फीचर्स डेटा साइंस के, जैसे वेलोसिटी, वॉल्यूम। वॉल्यूम से सिंपल मतलब है कि डेटा कितना कितना डेटा है, वेलोसिटी से मतलब है कि ट्रांजेक्शन की स्पीड कितनी है, आप डेटा को जब ग्रैब कर रहे हो डेटा बेस से तो उसकी स्पीड कैसी है, कैसी क्वेरी कर रहे हो आप। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग जब आप यूज करते हैं तो हम सिंपली डेटा के एनालिटिक्स एंड डेटा के कोरिलेशंस को यूज करके मॉडल्स तैयार करते हैं, बट डेटा साइंस वहीं तक सीमित नहीं है। डेटा साइंस में कई और भी चीजें इंक्लूडेड हैं जो आपको यहाँ पे कुछ उनमें से कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिख पा रही हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग लाइक क्या है, कैसे विजुलाइज करें हम चीजों को, तो मैंने एक विजुलाइजेशन के लिए एक एग्जाम्पल लिया है जिसको मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक इनपुट है, कोई मान लीजिए कि इमेज है या कोई डेटा है आपके पास इनपुट में, और एक आउटपुट है एंड में यहां पर। तो इनमें आप देख सकते हैं कि इनपुट एक कार है, अब आउटपुट में आपको ये बताना है कि ये कार है या नहीं है, फीचर को एक्सट्रैक्ट करना होता है और ये काम आपको आपको प्रोग्रामेटिकली खुद करना होता है। जब आप इन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये फीचर किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये फीचर आपस के रिलेशन हो सकते हैं वेरिएबल्स के, और भी बहुत सारी चीजें हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए। अब इन फीचर्स को लेके आपको लगाना है क्लासिफिकेशन। आप यहां पे लगाएंगे क्लासिफिकेशन क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। यहां पर आप सीधा बता रहे हैं कि ये कार है या नहीं है क्योंकि आप क्लासिफाई कर रहे हैं। सो यहां पे क्लासिफिकेशन लगाएंगे और जिससे आपको आउटपुट मिलेगा कार है या नहीं है। डीप लर्निंग, अब जब डीप लर्निंग की बात करते हैं तो डीप लर्निंग के केस में जो फीचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन है आप यहां पे सिंपली देख सकते हैं, ये दोनों कंबाइन हो जाता है। यहां पर आपको अलग से फीचर को एक्सट्रैक्ट नहीं करना होता, यहां पे अलग से क्लासिफिकेशन नहीं करना होता, यहां पे दोनों चीजें कंबाइन हो जाती है। बट इस कॉम्बिनेशन को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारे डेटा इसमें इंक्लूड करने पड़ते हैं, तब जाके ये ऑटोमेट कर पाता है इन दोनों स्टेप्स को एक स्टेप में। तो ये जितना इतना बेहतर कितना बेहतर आपको बनाना है डीप लर्निंग, उतना ज्यादा डेटा और उतना अच्छा डेटा आपको इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। नाउ डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है डेटा रिक्वायरमेंट। सो डेटा रिक्वायरमेंट के टर्म में मशीन लर्निंग के अंदर आपको कम डेटा की जरूरत होती है ट्रेनिंग के लिए, बट डीप लर्निंग में आपको ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी मशीन लर्निंग के केस में कम होगी डीप लर्निंग से, क्योंकि ऑब्वियसली हमने डेटा कम यूज किया है डीप मशीन लर्निंग में। थर्ड इज ट्रेनिंग टाइम। सो चूंकि अभी हमने डिस्कस किया कि कम डेटा पे मशीन लर्निंग यूज होता है, सो इसमें ट्रेन करने के लिए डेटा को टाइम भी समय भी कम लगता है, और डीप लर्निंग में आपको डेटा ज्यादा होता है प्लस नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी ज्यादा होते हैं डीप लर्निंग में, इसीलिए आपको ट्रेनिंग का टाइम भी ज्यादा लगता है। अब बात करें अगर हार्डवेयर डिपेंडेंसीज की, तो मशीन लर्निंग का टास्क आप आराम से अपने नॉर्मल पीसी या कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आपके सीपीयू के बेस पर एक्सेस हो सकता है। वही बात करें अगर हम डीप लर्निंग की, सो डीप लर्निंग के टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको जीपीयू की जरूरत पड़ती है, जैसे AWS सर्विस, अमेजन वेब सर्विस, या एज्योर की सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, या गूगल की ML सर्विस। तो ऐसी किसी सर्विस का आप उपयोग करते हैं और अपने मॉडल को वहां पे ले जाकर ट्रेन करते हैं, तो आप अपना खुद का कंप्यूटर का जीपीयू यूज नहीं करते, आप लीज पर किसी दूसरी कंपनी के जीपीयू को यूज करके वहां पे मॉडल को ट्रेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है डीप लर्निंग के केस में। लेकिन अगर बात करें अब और दूसरे फीचर्स की, तो
तो पांचवा फीचर है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। सो यहां पर मशीन लर्निंग में जो पैरामीटर ट्यूनिंग है उसकी कैपेबिलिटी कम होती है, लिमिटेड ट्यूनिंग कैपेसिटी होती है मशीन लर्निंग के अंदर, बट डीप लर्निंग में ऑन द अदर साइड ट्यूनिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, मतलब आपको काफी चीजें आप ट्यून कर सकते हो डीप लर्निंग के अंदर। सो ये एक बहुत ही अच्छी फीचर है डीप लर्निंग में। सो इसके लिए इसकी जो एक्यूरेसी है ये भी बहुत हाई होती है। तो अब डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कितना है, उस हिसाब से आपको चूज करना है कि आपको डीप लर्निंग लगाना है या मशीन लर्निंग लगाना है। अगर आपके पास कम डेटा है, कम टाइम में आपको आउटपुट चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए, अगर 90-95% भी एक्यूरेट से काम चल जाएगा आपका, तो मशीन लर्निंग एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। अब हम बात करें ग्लोबल मार्केट शेयर की, मतलब मैं जब यहाँ मार्केट शेयर की बात कर रहा हूँ, ये मेरा खुद से लिया हुआ अलग अलग सोर्स से लिया हुआ डेटा है, और अगर मैं यहाँ पे मार्केट शेयर की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ डेटा साइंस मशीन लर्निंग, ये पूरा जो मैंने बात डिस्कस किया पीछे उसका आज के डेट पे मार्केट शेयर किस किस एरिया में कितना यूज हो रहा है, यहाँ पे मार्केट शेयर का मतलब ये है 40% इन हेल्थ केयर सेंट, सबसे बड़ा चंक हेल्थ केयर में यूज होता है, हेल्थ केयर में मल्टीपल फील्ड्स है। सो ये मार्केट शेयर आपको मदद करेंगे चूज करने में कि किस एरिया में आपको जाके काम करना है। सो हेल्थ केयर एक बहुत अच्छा एरिया है स्टार्ट करने के लिए। हेल्थ केयर के कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन, कैंसर आइडेंटिफिकेशन, देर आर डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं जिसको मशीन लर्निंग से सॉल्व किया जाता है। सेकेंड सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग। सो बैंकिंग के अंदर मैंने सिर्फ बैंकिंग लिखा है बट इसमें नॉन फाइनेंशियल एंड स्टॉक्स एंड डिफरेंट थिंग्स एडेड है। सो बैंकिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, स्पेशली लोन्स में या प्रीमियम में या इंश्योरेंस सेक्टर में, तो इनमें बहुत सारे अलग अलग यूज केस बन के आते हैं। तो हम लोग इसके यूज केसेस को आगे अपने वीडियोस पे भी और डिस्कस करेंगे। अब बात करें मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड सबसे बड़ा फील्ड। मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये एक ऐसा फील्ड बन के आता है जो इंटरडिसिप्लिनरी भी है। अगर आप मैकेनिकल या किसी और ब्रांच के स्टूडेंट हैं और आपको इस फील्ड के अंदर आना है तो मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एरिया बन के आ सकता है, जहाँ पर आप अपने अपने कोर ब्रांचेस के नॉलेज प्लस कंप्यूटर साइंस और मशीन लर्निंग का नॉलेज दोनों को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दो सेक्टर हैं रिटेल एंड ट्रैवल, जहाँ पर मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इन सब को अगर छोड़ दे तो 7% और बच जाते हैं सेक्टर जिसमें एनर्जी आता है, एजुकेशन आता है, बहुत सारे सेक्टर आते हैं, तो इसको मैंने अदर के रूप में दिखाया है। सो ये एक ओवरऑल आइडिया है कि किस एरिया में कितना ज्यादा काम हो रहा है मशीन लर्निंग पे। आई होप कि ये आपको मदद करेगा। अब हम बात करें कि अगर जो टॉप सेक्टर्स हैं मशीन लर्निंग के, उनके किस एरिया में सबसे ज्यादा आज के डेट पे काम हो रहा है, सबसे हॉट एरियाज क्या है। सो अगर हम बात करें हेल्थ केयर जो मैं अभी बता रहा था, उसमें डिजीज प्रिडिक्शन, डिजीज प्रिडिक्शन पे बहुत रिसर्च चल रहा है। आप देखेंगे अभी गूगल रिसर्च कर रहा है कि आंखों के इमेज से अलग अलग डिजीज को प्रिडिक्ट करना, और मेडिकेटिव इफेक्टिवनेस की एक मेडिकेशन का इफेक्टिवनेस कैसा है, तो यहाँ पे डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद सेल्स एक एरिया बन के आता है जहाँ पे डेटा साइंस का आप देख सकते हैं डिस्काउंट ऑफरिंग में कंपनीज यूज करती है, डिमांड फॉरकास्टिंग में यूज करती है। उसके बाद एक एरिया बन के आता है जिस पे मैंने कुछ दिन काम किया है, वो है सोशल मीडिया पे सेंटिमेंट एनालिसिस। उसके बाद क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, इस पे भी मैंने काम किया है। तो यहाँ पे क्लेम प्रिडिक्शंस मैंने अभी बताया कि क्लेम्स, अगर आप क्लेम कोई बंदा कितना परसेंट चांस है कि कोई बंदा जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो क्लेम करेगा। उसके बाद फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, ये भी बहुत अच्छा एरिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कई सारे एरिया, ऑटोमेशन एक एरिया है जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स, पायलटलेस एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। सो इसको एक बार आप कुछ देर रुक के इसको देख सकते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस एरिया पे यूज केसेस को आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं। मान लीजिए आप चूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग या सेंटिमेंट एनालिसिस, तो मैं अगले वीडियो में सेंटिमेंट एनालिसिस के यूज केसेस बताऊंगा और कैसे मार्केट में अप्लाई हो रहा है वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट इज, अब आपको पता चल गया कि मार्केट कैसा है मशीन लर्निंग का, आपको यह भी पता चल गया कि मशीन लर्निंग में क्या क्या फील्ड में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। अब आप कैसे जॉब पाएंगे मशीन लर्निंग में, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं
आप एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो सकते हैं किसी अदर डोमेन में, आप हो सकते हैं किसी पोस्ट ग्रेजुएशन में या पीएचडी में, अभी जैसे मैंने जस्ट पीएचडी फिनिश की है, तो आप किसी भी डोमेन में हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे हम जॉब पा सकते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक गलती बहुत लोगों की मैंने देखी है जो दोहराते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं प्लस प्रोग्रामिंग, दिन भर बैठ के प्रोग्रामिंग पे ध्यान देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। तो मैं ये जो बता रहा हूं यहां पे, ये वो तरीका है जो मैंने चूज किया और मुझे सक्सेस मिला। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज करेंगे, बट ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच है। यहां पे देख सकते हैं सबसे जो बड़ा चंक है बन के आता है किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आपको जाना है, या मार्केट में आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाना है, तो आप सबसे पहली चीज पे फोकस कीजिए, वो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से मेरा कहना यह है कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट चूज कीजिए। आप ये पता कीजिए कि आज के डेट पे जैसा भी मैंने दिखाया कि इस एरिया पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है, आप उन एरियाज का कोई एक यूज केस लीजिए। इसलिए मैंने बोला पिछले स्लाइड में, आप बताइए मुझे कि किस एरिया में आप चाहते हैं कि मैं यूज केसेस आपको समझाऊं, और उन एरियाज के यूज केसेस को आप उठाएं और देखिए कि करंट में क्या हो रहा है, और आप उसको इंप्लीमेंट करें अपने सिस्टम पे, और उन प्रोजेक्ट्स को आप पब्लिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटर्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं इन वेबसाइट से, वो आपको डायरेक्टली देख लेंगे कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टैटिस्टिक्स। यहां पे मैंने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स लिखा है, बट यहां पे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है ये। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फाउंडेशन के लिए। तो प्रोजेक्ट से पहले मैं बोलूंगा सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए ध्यान देना, जो बेसिक्स है। उसके बाद थर्ड है मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग के अंदर भी मैं कहूंगा कि वो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग प्लस मैथमेटिक्स। सो ये जो 20 और 20, मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स जो दो पार्ट है, 40%, ये आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहिए, तब इस 30% प्रोजेक्ट पे जंप करना चाहिए। उसके बाद आप ध्यान दें लॉजिकल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग इज 10%। आप देख सकते हैं आपका सिर्फ 10% समय ही प्रोग्रामिंग में जाना चाहिए, अगर उससे ज्यादा समय आप दे रहे हैं प्रोग्रामिंग में तो ये सही नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का पहले एक्सपीरियंस रहा है, जस्ट फॉर द सेक कि आप नया लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उसके लिए प्रोग्रामिंग पे समय व्यर्थ मत करें। आप सबसे पहले फाउंडेशन पे ध्यान दें, मशीन लर्निंग, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दें, उसके बाद धीरे धीरे आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएं। उसके बाद यहां देख सकते हैं आप, नेक्स्ट इज बिहेवियर एंड रिज्यूमे। बिहेवियर इज योर एटीट्यूड, कैसा आप एटीट्यूड कैरी करते हैं अपने साथ इंटरव्यू में, और प्लस रिज्यूमे इज लाइक कितना बेहतर रिज्यूमे आपने क्रिएट किया। ये बहुत ही छोटे पार्ट है, ये सब चीजें तब आती है जब आपके पास बाकी 90% चीजें रेडी हो। सो ध्यान दें इन चीजों पे, और आप मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि इन चीजों पे मैं अभी क्या करूंगा। मैंने इसको आगे के स्लाइड्स में आप देखेंगे मैंने सेक्टर वाइज डिवाइड किया है। आप मुझे बताएं किन सेक्टर्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और डिटेल में डिस्कस करूं। अब बात करें मशीन लर्निंग के फाउंडेशन पे। सो मशीन लर्निंग का मेरे हिसाब से या कई सारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से मशीन लर्निंग के 4 मेजर पिलर हैं, और उन 4 पिलर के लिए आप देख सकते हैं नीचे 6 मेजर बेस है। सो एक एक चीज मशीन लर्निंग की समझने के लिए आपको इन बेस का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर आपको रिग्रेशन को समझना है, सो रिग्रेशन के लिए आपको वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का होना बहुत ही जरूरी है। मैं तो कहूंगा इस 6 बेस जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये सभी जरूरत है ये 4 पिलर्स को खड़ा करने के लिए। सो ये जो 4 पिलर है मशीन लर्निंग के, वो है रिग्रेशन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, डेंसिटी एस्टिमेशन, क्लासिफिकेशन। नीचे आप देख सकते हैं बेस में वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन, मैट्रिक्स एनालिटिक ज्योमेट्री एंड लीनियर अलजेब्रा। मैथमेटिक्स मेरा हमेशा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। आप मुझे ये भी बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं मैथमेटिक्स फाउंडेशन में भी आपकी मदद कर सकता हूं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस मैथमेटिक्स फाउंडेशन सेक्शन में आपको मदद की जरूरत है, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। नेक्स्ट, अब कैसे मैथमेटिक्स पढ़े, किस पर्टिकुलर पार्ट को पहले पढ़े, किस पार्ट को कितना पढ़े। तो आपका समय जो मैथमेटिक्स पढ़ने में है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 40%, मैंने पहले भी बताया, उसमें आपका सबसे ज्यादा समय जाना चाहिए लीनियर अलजेब्रा में। लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, और तब आता है मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एरिया है। नाउ अदर मैंने इसलिए रखा है 10%, क्योंकि यहां पे आपका और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग मैथ्स को यूज करके, या मैथ्स को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, या
मैथ्स के कुछ अलग एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर्स में। सो चूंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा बनता जा रहा है, तो मैं अभी स्किप करूंगा और आगे फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। प्रोजेक्ट बिल्डिंग, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसपे मुझे एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, ये कई सारे लेक्चर बनाने पड़ेंगे, बट मैं बहुत ही ब्रीफ में यहां पे आपको समझा दूं कि यहां प्रोजेक्ट बिल्डिंग में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला तो आपको अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, तो प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए ये तीन सोर्सेस है जहां जो आपको बहुत मदद करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किस सोर्स पे मैं वीडियो सबसे पहला बनाऊं। मैं सब पे बनाऊंगा, लेकिन आप जिसको सबसे पहले चाहते हैं, क्योंकि मैं एक वीक में एक वीडियो से ज्यादा अभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे को काम का भी थोड़ा प्रेशर है, तो आप मुझे बताएं किस सेक्शन पे आप सबसे पहले वीडियो चाहते हैं, मैं उस सेक्शन पे बनाऊंगा। उसके बाद सेकंड है बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन ने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया, यहाँ पे जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये सभी चीजों ने मुझे हेल्प किया है। तो लिंक्डइन एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स को सीधा लैंड करवा सकता है। तो लिंक्डइन पे बहुत ही एक्टिव रहे, जो भी प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड करें स्टेप वन में वो लिंक्डइन पे जरूर डालें। हर कंपनी के या जो भी आपका ड्रीम प्रोफाइल है उसके कंपनी के लोगों को ऐड करें लिंक्डइन पे, और जॉब फिल्टर्स लगाएं। आप मुझे बताएं अगर आपको लिंक्डइन को कैसे यूज करना है या लिंक्डइन पे कैसे लोगों जॉब फिल्टर्स लगाने हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं इसमें भी आपकी मदद करूंगा। अब बात करें मेरे कुछ रिसर्च की जो आप फॉलो कर सकते हैं, तो ये मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था मास्टर्स के टाइम में। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इनडायरेक्टली मशीन लर्निंग स्टार्ट कर दिया है मैंने, बाद में पता चला। तो दिस इज फेस रिकॉग्निशन लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जो मैंने अपने मास्टर्स के टाइम में IIT धनबाद, जो कि पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद था, वहां पे किया था। और ये मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट, ये सब मेरे मेजर प्रोजेक्ट है, मेरे और भी प्रोजेक्ट रहे हैं बट ये मेरे मेजर प्रोजेक्ट है। ये मेरा प्रोजेक्ट है PhD का, जो मैंने IIT जोधपुर में मैंने अपने सुपरवाइजर के साथ किया था, और ये कंप्रेशन से रिलेटेड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको अगर मेरे रिसर्च को या मेरे प्रोफाइल्स के बारे में और ज्यादा जानना है, या इन रिसर्च के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ वीडियो, बट मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। ये मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था जब मैंने इंडस्ट्री में ज्वाइन किया। सो यहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, और यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको काफी मदद मिलेगी और आप करंट में इसकी नीड बहुत ही ज्यादा है। नाउ सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, बट चूंकि ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा लंबा हो गया है ये वीडियो, मैंने सोचा था थोड़ा शॉर्ट रखने का, बट बेयर विथ मी। बट द टारगेट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू शेप योर करियर। So, मेरा टारगेट ये है इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि मैं ऐसा एक ग्रुप बनाऊं जहां पे हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ सके, हम एक दूसरे की मदद करके अपने करियर को पा सके। आज के डेट पे आप बहुत ज्यादा सुनते हैं मार्केट में मंदी चल रही है, मार्केट में जॉब नहीं है, बहुत प्रॉब्लम सुन रहे हैं, बट सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को नए जॉब्स के लिए तैयार करें, हम अपने आप को अपग्रेड करें। और इस अपग्रेड करने की जर्नी में अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो ये मेरी तरफ से सोसाइटी को एक हेल्प होगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें, और जो आपके अगर घर में या फ्रेंड कोई है जो इन जॉब्स में आना चाहते हैं या कुछ रेफरेंस चाहते हैं मेरे थ्रू, तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करें, आप मुझे गूगल स्कॉलर पे फॉलो करें, और आप मुझे यहां पे फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप कैसा कंटेंट चाहते हैं, आपको कैसा लगा, और आपको अगर कुछ भी अपडेट नया चाहिए आप मुझे पिंग करें या आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ जरूर मैं समझा पाया हूंगा इस वीडियो के जरिए। तो मैं बहुत ही कम रिसोर्सेज में आपको ये बता पा रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों के जो फीडबैक मिलेंगे मैं उसको धीरे धीरे सब चीज़ें अपडेट करूँगा। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।